हेलो एवरीवन आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्टडी टेबल पर आज जो पोएम हम पढ़ेंगे उसका नाम है द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड एंड वन मोर थिंक दैट हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ़ यू दिस इज़ पर फर्स्ट वीडियो ऑफ माय 2024 अपलोड्स एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड न्यू सक्सेस न्यू अचीवमेंट्स न्यू पीस ऑफ माइंड न्यू गोल्स एंड आप सब स्वस्थ रहिए अच्छे रहिए अपने स्टडी की तरफ ध्यान रखिए एंड चलिए हम शुरू करते हैं इस पोएम को द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड देखिए सबसे पहले हम समझेंगे दैट चार्ज क्या होता है चार्ज क्या होता है एक ऑर्डर एंड यहाँ पर लाइट ब्रिगेड क्या है लाइट ब्रिगेड एक सेना की टुकड़ी का नाम है यू नो जो एक यूनिट होता है एक किसी भी आर्मी का उसका एक पर्टिकुलर नेम होता है तो यहाँ पर लाइट ब्रिगेड की स्टोरी हम पढ़ेंगे वन मोर थिंग दैट दिस वन इज़ एक्चुअली अ ट्रू स्टोरी एंड इट इज बेस्ड ऑन द इवेंट्स एंड वॉर दैट हेल्ड बिटवीन द रसिया एंड ब्रिटिश एंड वन मोर थिंक इसमें हमें सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि आखिर जीता कौन अफकोर्स जीत तो गए थे विक्ट्री जो थी वो रसियन के हाथ में आई थी लेकिन ब्रेवरी इसमें ब्रिटिश पर्सनस की ब्रिटिश के जो आर्मी थी उसके थी बिकॉज उन्होंने बहुत ही अच्छे से बिकॉज अगर मैं आपको डिटेल्स में बताने जाऊँ तो आ, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा बट मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ कि एक तरफ ब्रिटेन ब्रिटिश के जो आर्मी थी उनके पास सिर्फ सोवर्ड्स थे लेंसेज थे एंड दूसरे तरफ रशिया का जो पूरा जो आर्मी का सेटअप था उनके पास कैनॉन्स थे तो आप सोचो आप लड़ोगे तो तब ना जब आपके पास दोनों के तरफ पास सोवर्ड्स हो या फिर दोनों के पास कैनन हो और अदरवाइज तो लड़ाई तो एक तरफा हो गई लेकिन इन लोग ये लोग करीबन करीबन ब्रिटिश के जो आर्मी थी वो करीबन करीबन सिक्स से ऊपर थी और और वो लोग बहुत ज़्यादा थे नंबर में लेकिन फिर भी ये बहुत ही ब्रेवरी के साथ उनसे फाइट करके आते हैं और इसी के ऊपर ये पोएम है तो चलिए हम पहले अपना माइंड एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं जैसे कि हम हमेशा करते हैं किसी भी पोएम स्टोरी को शुरू करने से पहले और चलिए देखिए शुरू करते हैं द लाइट ब्रिगेड अ ब्रिटिश हॉर्स माउंटेड कैवलरी यूनिट लाइट ब्रिगेड क्या है एक नाम है ब्रिटिश हॉर्स माउंटेड ये जो है ना घोड़े पर सवार होते हैं घुड़सवार बोलते हैं इनको ये इनकी एक यूनिट थी ओनली विद द विदर्स एंड लेंसेज अब इनके पास क्या थे एंड लेंसेज थे, थे. सिर्फ शोवर्ड और तलवार से खुद को लाइक बचाने के लिए जो ढाल होता है वो एंड द ब्रिगेड वॉज नेवर इंटेंडेड टू अटैक आर्टिलरी यूनिट ऑन बट ऑर्डर सेंट टू देम स्ट्रेट अब देखिए क्या होता है ये जो ब्रिगेड का जो यूनिट है ना ये कभी भी नहीं चाहता था कि ये जाके आर्टिलरी को हिट करे आर्टिलरी क्या होता है देखिये बगल में इमेज भी दी हुई है जो तोप से लड़ते हैं जो ना जो गन से तोप से लड़ते उन्हें आर्टिलरी यूनिट बोलते हैं आग तो इनकी कभी भी इच्छा नहीं थी कि ये जाकर उस पर अटैक करे वो भी हेड ब्रांच में एंड द मिस्टेक इन ऑर्डर लेकिन एक मिस्टेक ऑर्डर दे दिया गया अब आर्मी का काम क्या होता है अगर आपको ऑर्डर दिया गया है, तो वो कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे कि वो तो इतने ज्यादा है नंबर में हम तो इतने कम है। वो कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे उनका काम है देश के लिए लड़ना और यही ब्रिटिश आर्मी ने किया था वो रसियन कैन के खिलाफ आगे बढ़ गए थे दिस चार्ज टू प्लेस ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बैल्ले व इन द क्रीमियन वॉर एंड इट है तो देखिये जो चार्ज था ये कब हुआ था ये वॉर कहां पर हुआ था और इसकी डेट क्या थी सभी कुछ यहाँ पर दिया हुआ है the charge by Lord Cardigan did reach the अब ये चार्ज देने वाले कौन पर्सन थे? उनका नाम था लॉर्ड कार्डिगन इन्होंने चार्ज दिया अर्टिलेरी बैटरी के पास जाना बैटरी यहाँ पर कोई बैटरी नहीं होगा uh, like, uh, उस कैनोन का सेटअप होगा वहां पर जाना और उसके बाद ये जो ब्रिटिश के जो आर्मी थे पूरी तरीके से बिखर गए थे क्योंकि गनर्स उनके ऊपर गनर्स जो थे ना वो वॉर कर रहे थे कंटीन्यूअसली uh, शूटिंग कर रहे थे और इस प्रोसेस में इनको बहुत हार्म हुआ काफी सारे तो मर गए थे द लाइट ब्रिगेड कंसिस्टेड ऑफ अबाउट 670 मेन एंड मोस्ट ऑफ देम वर किल्ड इन द चार्ज और इस चार्ज में ज्यादा से ज्यादा पर्संस मर चुके थे एक्चुअली यहां पर पोएट वॉट द पॉइट इज ट्राइंग टू हाईलाइट इन दिस पोएम द मेन थिंग इज दैट तो अगर हम इसे अच्छे से डीपली से समझे तो हमें यह समझ में आएगा दैट पॉइट इज एक् एक्चुअली हाईलाइटिंग द पेट्रोयटिक क्वालिटीज ऑफ द आर्मी उस आर्मी के पेट्रोइटिक क्वालिटी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि देशभक्ति कितनी बड़ी चीज है उन्हें पता है कि वो मरने वाले हैं आप इसे इंडिया से भी रिलेट कर सकते हो यू नो जो हम देखे थे बॉर्डर मूवी आपने से बहुत लोगों ने देखे देखा होगा तो बॉर्डर में भी कुछ ऐसा ही होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का एक वॉर है और काफ़ी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें पता है लेकिन देशभक्ति एक ऐसी चीज है जिसके लिए वो आगे बढ़ जाते हैं वेलकम बैक एवरी दिस इज आरती शर्मा आर वॉसिंग स्टडी टेबल चलिए हम शुरू करते हैं अपनी पोएम रीड अ पोएम अबाउट अ फेमस वॉर तो ये एक फेमस वॉर है और उसके लिए हम इस पोएम को पढ़ेंगे देखिए हमें यहाँ पे कंटिन्यूस रिपीटेशन मिल रहा है इस फ्रेज़ का हाफ अ लीग का मतलब जो सेना की जो टुकड़ी थी ना वो क्या करती है आगे बढ़ती है हाफ अ लीग हाफ माइल या फिर आ, ऐसे करके आगे बढ़ना ऑनवॉर्ड्स आगे बढ़ना शुरू कर देती है ऑल इन द वैली ऑफ डेथ रोड द सिक्स हंड्रेड अब देखिए पॉइंट ने बहुत ही सुंदर फ्रेज़ यूज़ किया यहाँ पर आ, वैली ऑफ़ डेथ वैली ऑफ डेथ यहाँ पर क्यों यूज़ किया गया है क्योंकि उन्हें पता है कि वो मौत के मुंह में जा रहे हैं एंड इट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग अबाउट द हैपनिंग थिंग दैट विल हैपन विद द सोल्जर्स इन द फ्यूचर तो फ्यूचर में उनके साथ क्या होने वाला है वो मरने वाले हैं लेकिन जैसे उन्हें चार्ज मिलता है वो आगे बढ़ते हैं और कितने आगे बढ़ते हैं सिक्स हंड्रेड रोड यहाँ पे क्या हो गया राइट का सेकंड फॉर्म रोड ओके बिकॉज वो घुड़सवारी करके जा रहे थे फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड लाइट ब्रिगेड क्या है सेना की टुकड़ी का नाम है उन्हें बोला गया है फॉरवर्ड आगे बढ़ो चार्ज फॉर द गन्स जिनके हाथ में गन है ये जो गनर्स है उनके लिए आगे बढ़ना है और जाकर उनसे वॉर करना है ही सेट ही यहाँ पर किसके लिए आ रहा है इनका जो कैप्टन है उनके लिए आ रहा है हमने पढ़ा था लॉर्ड कार्डिंगन उन, उनका नाम है तो इनके जो कैप्टन थे उन्होंने ऑर्डर दिया और उनके ऑर्डर के साथ ही ये जो है आगे बढ़ना शुरू कर दिए इन द वैल्यू ऑफ डेथ रोड द सिक्स वापस देखिए उसी रिपीटिशन है कि ये जो 600 जो सोल्जर्स थे ये वैल्यू ऑफ डेथ में आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पैरा और नेक्स्ट स्टेंज चलिए नेक्स्ट स्टेंज की तरफ मूव करते हैं फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड वाज देयर अ मैन डिसमिड अब देखिए उन्हें बोला गया है फॉरवर्ड चलो आगे बढ़ो लाइट ब्रिगेड आगे बढ़ो उसके बाद जो कैप्टन uh, uh, है वो पूछता है दैट वॉज देयर मैन डिसमेट क्या कोई ऐसा पर्सन है जो उदासी से भरा हुआ है या फिर अफ्रेड है या फिर जिसके मन में कोई डाउट है नॉट दो सोल्जर न्यू समवन हैड ब्लंडर्ड देखिए सोल्जर्स का क्या रिप्लाई रहेगा नॉट लेकिन हालांकि उन्हें पता है सोल्जर्स न्यू समवन हैड ब्लटेड दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हाथ में सिर्फ सुवर्ड है लेंसेज है और आपको ऑर्डर दे दिया जाए कि आप उनसे जाकर लड़ो और वो भी नंबर में इतने ज्यादा है और ये इतने कम है लेकिन किसी भी सोल्जर में ये बोलने की हिम्मत नहीं है वो बोलेंगे भी नहीं क्योंकि उनका काम है देशभक्ति और वो देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं देयर्स नॉट टू मेक रिप्लाई देयर्स यहाँ पर आ रहा है सोल्जर्स के लिए ब्रिटिश सोल्जर्स कभी रिप्लाई नहीं करेंगे देयर्स टू रीजन वाई और उनका काम ये भी नहीं है कि वो पूछेंगे की ऐसा ऑर्डर क्यों मिला है देअर्स बट टू डू एंड डाय देखिये ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज डू एंड डाई उनका क्या वर्क है इधर दे हैव टू डू वॉर और दे हैव टू डाय फॉर देयर कंट्री सो सो दैट इज वॉट दे आर डूइंग वो वही कर रहे हैं या तो उन्हें लड़ना होगा अपने देश के प्रोटेक्शन के लिए या तो उन्हें मर जाना होगा आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको पोएम कैसी लग रही है आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सेकेंड स्टैंडा का ही दो लाइन जो है कपलेट जो है वॉर कंटिन्यू होता है इन टू द वैल्यू ऑफ डैथ रोड द सिक्स हंड्रेड अगेन द रिपीटिशन ऑफ द सेम लाइन इज इंडिकेटिंग दैट यहां पर बता रहे हैं कि वो जो जा रहे हैं वो एक्चुअली वैल्यू ऑफ डेथ में जा रहे हैं और उनकी जो डेथ है वो लाइक like कंफर्म है 600 जो है वापस वैल्यू ऑफ डेथ की तरफ आगे बढ़ जाते हैं थर्ड टू टू राइट ऑफ ऑफ देम देम लेफ्ट क्या होता है तोप जो तोप से जो लड़ाई करते हैं जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं उनके राइट उनके लेफ्ट हर जगह तोप ही तोप है उनके सामने हर जगह तोप है वोलेट एंड वोलेट मीन्स क्या होता है जो गोलियों की जो आवाज़ होती है उससे जो स्मोक होता है उसे हम वोलेट बोलते हैं फायर हो रहा है लाउड ब्लास्ट हो रहा है एकदम लाइक ऐसा लग रहा है जैसे उसका तूफान आया हुआ है स्टोम्पड एट विथ शॉर्ट्स एंड सेल शेल यहाँ पर तोप खाना हो जाएगा ओके तो स्टोम्प्ड विथ ये जो आर्टिलेरी है ना इस आर्टिलेरी के चलते पूरी तरीके से शूटिंग चल रही है चारों तरफ लाइक कहीं गोली चल रही है कहीं पर कैन के तोप के गोले दागे जा रहे हैं और बोल्डली दे रोड एंड वेल लेकिन आप उनकी ब्रेवरी देखिए ब्रिटिश जो सोल्जर्स है उनकी ब्रेवरी देखिए वो बहुत ही बोल्ड होकर आगे बढ़ते हैं इनटू द जॉज ऑफ डेथ इनटू द माउथ ऑफ हेल रोड द सिक्स हंड्रेड और वो जितने भी सिक्स हंड्रेड सोल्जर्स थे वो जॉज ऑफ डेथ यू नो डेथ को छू के वापस आना या फिर डेथ के मुंह में जाना कितनी बरेवरी का काम है अपनी कंट्री के लिए वो यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं माउथ ऑफ हेल में रोड द सिक्स हंड्रेड नेक्स्ट देखिए फोल स्टेंजा फ्लैश ऑल दियर सेबर्स बियर फ्लैश ऑल देयर फ्लैश मतलब क्या होता है एक फ्लैश होना लाइक चमकना कुछ जब उनके जो जो तलवार है ना जब वो निकालते हैं और हवा में से टर्न करते हैं तो उसमें एक फ्लैशिंग होता है एक ऐसे चमक टाइप की होती है एंड सेबरिंग द गनर्स देयर सेबरिंग मीन्स क्या होता है स्टैप करना और वो गनर्स को क्या कर रहे हैं? स्टैप कर रहे हैं तो आप देखो जब ये कंटिन्यूसली सामने आ रहे हैं तो वो तो कैनन से एक अगर तोप चला दिए तो ये तो उसमें से कितने सारे मर जाएंगे बहुत कम ही होंगे जो हिम्मत करके आगे जा पाएंगे लेकिन तो भी ये उनके एग्जैक्टली exactly पॉइंट तक पहुंचते हैं और जाकर उन गनर्स को स्टैप करते हैं चार्जिंग एन आर्मी वाइल ऑल द वर्ल्ड वंडर्ड अब इस तरीके का जो वॉर हो रहा था ना तो पूरा वर्ल्ड अमेजमेंट में था पूरे वर्ल्ड को ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये किस टाइप का फाइट हुआ ये कैसी बात हुई ओके इसीलिए दैट्स वाई द होल वर्ल्ड इज़ वंडर्ड Plunged into, into the battery smoke right through the line they broke. प्लस्ट इन टू द बैटरी स्मोक प्लन्ड मीन्स क्या होता है डब डब लाइक सिंक हो जाना पूरी तरीके से डूब जाना बैटरी स्मोक ये जो अर्टिलेरी में, में से जो कैन में से जो धुआँ आ रहा है ऐसा लग रहा था मारो वो उसमें डूब चुके हैं पूरे तरफ धुआँ ही धुआं था राइट थ्रू द लाइन दे ब्रोक और वो क्या करते हैं रसियन की जो लाइन रहती है ना जो उनका जो बॉर्डर होता है वहाँ तक पहुँच जाते हैं और उन्हें वो तोड़ते हैं कॉसिक एंड रसियन अब देखिए कॉसिक एंड रसियन बहुत इंपॉर्टेंट ये एक लाइन है इसे समझना बहुत जरूरी है कॉसिक आर एक्चुअली द पीपल हु आर ड्वेलिंग इन द नॉर्थ इंटर लैंड पार्ट ऑफ द कैस्पियन एंड ब्लैक सी तो ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी के आसपास जो नॉर्थ इंटरलैंड बोलकर एक जगह है वहाँ पर जो पर्सनस रहते हैं उन्हें कॉसिक बोलते हैं मैं आपको इमेज भी दे रही हूँ तो कॉसिक एंड रसियन से मिलकर बना हुआ एक रशियन का एक टुकड़ी है सेना की टुकड़ी है जैसे हम बोले कि आ, इंडियन आर्मी में सिर्फ इंडियंस ही थोड़े होते हैं मुस्लिम भी होते हैं क्रिश्चन भी हो सकते हैं या फिर पंजाबीज भी हो सकते हैं इन द सेम वे रसियंस में कौक बोलकर जो पीपल है वो भी आर्मी में थे रील्ड फ्राम द सेबर स्ट्रॉप

और वो क्या कर रहे हैं पूरा चकना चूर कर दे रहे हैं अपनी तलवार से उनका लाइक चॉपिंग कर दे रहे हैं शैटर्ड एंड संड सटर्ड एंड शैटर्ड मतलब क्या हो जाता है पूरी तरीके से बिखरा देना एंड सडर्ड मीन्स होता है हार्मफुल इम्पेक्टेड तो ये जो रसियन आर्मी थी ना ये पूरी तरीके से इम्पैक्ट हो चुकी थी पूरी तरीके से प्रभावित हो चुकी थी उनके ऊपर जो वॉर हुआ था देन दे रोड बैक बट नॉट दिक्स हंड्रेड अब देखिए उनका काम पूरा हुआ और उसके बाद अब वो वापस आ रहे हैं लेकिन अब वो सिक्स हंड्रेड नहीं आ रहे हैं बिकॉज अब उन्हें ऑर्डर दिया गया है तब वो वापस आ रहे हैं दे देन दे रोड बैक बट नॉट दिक्कस हंड्रेड इस बार जब वो वापस आ रहे हैं तो गए थे तो सिक्स हंड्रेड थे लेकिन अब वो सिक्स हंड्रेड नहीं है कैन ऑन टू राइट ऑफ देम कैन ऑन टू लेफ्ट ऑफ देम कैन ऑन बिहाइंड स्ट्रॉन्ग डेट विथ शॉट एंड सेल देखिए सेम सिचुएशन है उनके राइट right में उनके लेफ्ट में उनके पीछे हर जगह चारों तरफ तोप ही तोप है वॉलेड एंड थंडर्ड और पूरी तरीके से आ, शूटिंग के चलते पूरा एकदम लाइक जो फायर लाउड ब्लास्ट है वो सब कुछ है स्टॉम डिथ शॉर्ट एंड सॉल और वो ऐसा लगता है मानो कि गोले तोप खाने का जो गोला होता है और जो आ, जो गन होते हैं उनका मानो जैसे तूफान आ गया हो पूरा ऐसी सिचुएशन क्रिएटेड है वाइल्ड हॉर्स एंड फेल दे दैट हैड फॉट सो वेल केम थ्रू द जॉज ऑफ डेथ बैक फ्रॉम द माउथ ऑफ फैल चारों को पहले समझते हैं तो ये जो आ रहे हैं रिटर्न हॉर्स और जब आ रहे हैं है so well. है जिन्होंने बहुत ही अच्छी लड़ाई की है और जो मौत के जबड़े से मौत के मुंह से वापस आ रहे हैं ब्रैक फ्रॉम द माउथ ऑफ हेल वो माउथ ऑफ हेल से रिटर्न आ रहे हैं ऑल दैट वॉज लेफ्ट ऑफ लेफ्ट ऑफ सिक्स हंड्रेड और

ओ द वर्ल्ड चार्ज दे मेड ओ वाइल्ड चार्ज दे मेड और उन्होंने सच में बहुत ही वाइल्डनेस uh, के साथ यू नो बिकॉज आप लॉजिक के साथ ऐसा काम नहीं कर सकते हो जब आप में ऐसा पैसन होगा आप के मन में देश के लिए वैसा प्रेम होगा तभी आप ऐसा कोई डिसीजन ले सकते हो ऑल द वर्ल्ड वंडर्ड अब देखिए किसी लाइन में जब बार बार सेम कॉन्सोनेंट से जब रिपीटेशन होता है वर्ड्स का तो उन्हें हम एलिटरेशन बोलते हैं यहाँ पे स्पेलिंग गलत है उसे आप ध्यान मत दीजिए एलिटरेशन ए डबल एल आई टी ई आर ए टी आई ओ एन वर्ल्ड वंडर तो ये दो बार डब्ल्यू से रिपीट हुआ है वर्ड तो इसे हम एलिटरेशन बोलेंगे तो पूरा जो वर्ल्ड है ना वो वंडर कर रहा है ऑन आर द चार्ज दे मेड और वर्ड वी शुड डू एज ए रीडर वी शुड ऑनर दिम वी शुड रिस्पेक्ट देम वी शुड रिस्पेक्ट द चार्ज द मेट उन्होंने जो ऑर्डर फॉलो किया हमें उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए ऑनर द लाइट ब्रिगेड और हमारे मन में लाइट ब्रिगेड के लिए भी ऑनर होना चाहिए नॉवल सिक्स हंड्रेड और वो जो सिक्स हंड्रेड थे ना वो कम्प्लीटली नॉवल थे लॉर्ड एल्फर्ट टेनिसन ने ये पोएम लिखी है ओके okay. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल अगर आप और भी कोई चैप्टर समझना चाहते हो तो मुझे कमेंट करिए थैंक यू सो मच